नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हरियाणा पोल खोल न्यूज पर आज आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन हरियाणा में ही नहीं हाशिम में भी पूरा हरकत में आ गया है, सख्त हो गया है। हरियाणा में लॉकडाउन हुआ है, इसके चलते हाशिम में प्रशासन ने सख्ती से निपटने की तैयारी कर ली है। लोगों को समझाने के उपरांत उन्हें घर वापसी भेजे जा रहे हैं। इतने नहीं, चालान भी काटे जा रहे हैं। रेस्ट हाउस के पास आपको दिखा रहे हैं, पुलिस प्रशासन ने चालान काटे हैं, ये दिखा रहे हैं आपको। 6 से अधिक गाड़ियों मोटरसाइकिलों के चालान काटे हैं, एक को इम्पाउंड भी किया है, ये आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा पोल को न्यूज पर पुलिस प्रशासन सख्ती से निपट रहा है, अब ढिलाई नहीं बरत रहा कि कोरोना वायरस से मामला बढ़ता जा रहा है, इसको रोकथाम के लिए पुलिस ने अब सख्ती से निपटना शुरू कर दिया है। लोगों को घरों में भेज रहे हैं वापसी, किसी को आने नहीं दिया जा रहा, जाने नहीं दिया जा रहा, यहाँ तक कि नहीं, बाजार बिल्कुल बंद हो चुके हैं, बेवजह घूमने वालों को पकड़ा जा रहा है, ये आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा पोल खोल पर कि प्रशासन अब सख्ती से निपटने की तैयारी में है, बाजारों को बंद करवा दिया गया है, लोगों को घरों में वापसी भेज दिया गया है। ये हम हरियाणा पोल खोल न्यूज पर आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। पुलिस की गश्त लगातार तेज कर दी गई है, रोडों पर पुलिस की गाड़ियां घूमती हुई नजर आ रही है, चौकों पर पुलिस तैनात है, नाकेबंदी कर दी गई है, मोटरसाइकिलों को इम्पाउंड किया जा रहा है, ये आपको दिखा रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हो, हम लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन पब्लिक अभी भी सहयोग नहीं कर रही है, लोग अभी भी इस बारे में जागरूक नहीं हुए हैं। सरकार भी एडवाइजरी जारी कर रही है बार बार कि बाहर ना निकलें, अगर आपको जरूरत हो तभी आप बाहर निकलें, लेकिन आप देख रहे हैं कि लोग मान नहीं रहे हैं, उसके बावजूद भी कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बार बार अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग कम से कम बाहर निकले, इमरजेंसी हो तो ही बाहर निकले। कहीं ना कहीं मान रहे हैं थोड़ा सा स्टिक होके काम करना पड़ेगा, स्टिक होके काम करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर टोटली स्ट्रिक्ट नहीं है। अभी हम लोगों को समझा रहे हैं, हमें लग रहा है कि लोग मान जाएंगे, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है, हो सकता है कि शाम तक कर्फ्यू। ये बाकी दुकानें तो बंद है, सिर्फ आज खाने पीने की दुकानें या मेडिकल की दुकानें ही सिर्फ खुली हुई है, बाकी तो लगभग सारा कुछ बंद ही है। थैंक यू सर भाई, आठों वाला।